नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिव्या अटवाल और ये है बाबजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। इस वक्त की जो खबर है हमारे पास ना इंदौर शहर से है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर इंटरनेट ने आम जीवन को सरल व सहज बना दिया है, तो वहीं इसके काफी दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है जो कि मध्यप्रदेश के इंदौर जिले से है। जी, आपको बता दें कि इंदौर शहर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है और भारी मात्रा में पुलिस ने यहां पर काफी कंप्यूटर जब्त किए हैं, साथ ही 50 कर्मचारियों को यहां से गिरफ्तार भी किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर में क्राइम ब्रांच में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर खोलकर बैठे हुए थे। यह सेंटर लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत निपानिया वाइन शॉप के पास संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने सेंटर से करीब 50 से ज्यादा कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी खुद को एजेंसी और सरकारी विभाग के कर्मचारी बताकर अमेरिकन एसेंट में लोगों को धमकाकर विदेशों से पैसे ऑनलाइन खाता में जमा करवाते थे। वहीं गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है जो तबीश के दौरान वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।